विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है, जहांगीर के बारे में कर रहे थे हम, दक्षिण विजय कर ली थी, अब जहांगीर की धार्मिक नीति पढ़नी है हमने। थोड़ा मैंने बता दिया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था। असहिष्णु किसको बोलते हैं? इंटॉलरेंट नहीं था। ठीक है, इंटॉलरेंस एक वर्ड होता है, इंटॉलरेंट उसी से बना है। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। ठीक है, जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाजत दी थी, गैम्बलिंग जिसे बोलते हैं, जुआ खेलने की इजाजत दे रखी थी। आपको पता ही है कि दीपावली के दिन है ना, व्यापारी लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। तो जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को प्रभुत्व दान देता था, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिर में उपलब्ध प्रलेखों से होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन यूपी अगर आप पेपर देने जाओगे, कि जहांगीर ने भी अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को अकूत दान दिया, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपने बोलना है वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में जो प्रलेख उपलब्ध हुए हैं उनमें ऐसा पता चलता है वृंदावन में। ठीक है, उसने अकबर द्वारा जारी गौ हत्या निषेध की परंपरा को भी जारी रखा। मैंने आपको बताया था कि अकबर ने राजपूतों के प्रभाव से गौ हत्या पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, लगाया था, उसको जारी रखा उसने, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए रखा। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को, हिंदुओं का जज नियुक्त किया, ताकि वे सहूलियत महसूस कर सकें और उन्हें किसी मुसलमान की कृपा दृष्टि का मोहताज ना होना पड़े। किसको जज बनाया उसने? श्रीकांत को। किसको? श्रीकांत। ठीक है, जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों को कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। खुद भी वो क्या करता था? कुंडल पहनता था, इसलिए एक फैशन बन गया कि पुरुष कान छिदवाकर क्या करते थे? मूल्यवान रत्न धारण करते थे और फैशन में था वो। ठीक है, जहांगीर ने सूरदास को, आगरा के अंधे कवि कहा जाता है, किसको? सूरदास को। सूर सुदावली, सूर सागर सुना है आपने। ठीक है, तो सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई थी। क्या हुई थी? तो एक बार यूपी वालों ने पूछा कि आगरा के अंधे कवि, ब्लाइंड जो पॉइंट थे, वो कौन थे? आंसर, सूरदास जी थे। ठीक है, चलो जी, कुछ घटनाओं से साबित होता है कि जहांगीर ने कभी कभी इस्लाम का पक्ष लिया। जैसे एग्जाम्पल, रजौरी, रजौरी पता है जम्मू कश्मीर में, जब आप जाएंगे तो वहां क्या, रजौरी, रजौरी के हिंदुओं को दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। तो रजौरी के हिंदुओं को क्यों दंडित किया? क्योंकि वे मुस्लिम बालिकाओं से विवाह करके क्या करते थे? उन्हें हिंदू बना देते थे। कांगड़ा के किले को जीतने के बाद उसने वहां एक गाय कटवाकर जश्न मनाया। वैसे तो गौकुशी प्रतिबंधित थी, लेकिन जब कांगड़ा विजय की उसने, तो वहां पर गाय कटवाकर एक जश्न मनाया। ये उसको मतलब उसकी ये कुछ जो कार्य हैं वो ये दिखाते हैं कि वो इस्लाम के पक्ष की तरफ झुका। ठीक है, तीसरा, अजमेर में वाराह मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फेंकवा दिया। ठीक है, चौथा काम जो उसने किया, पुर्तगालियों से युद्ध के समय उसने राज्य के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया। पांचवा जो काम है, एक अवसर पर उसने जैनियों से प्रसन्न होकर उन्हें गुजरात से बाहर चले जाने का आदेश दिया। कहां से? गुजरात से। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ही पहला मुगल शासक था जिसने मराठों के महत्व को समझा। किसके महत्व को? मैंने बताया आपको कि मराठे जो थे युद्ध में, छापामार युद्ध में क्या थे? अच्छे खासे लूट मार जिसे बोलते हैं, है ना, युद्ध के बाद, क्योंकि लूट करनी पड़ती थी। ठीक है, वो राज्य का क्या होता था? हिस्सा होता था। मैंने आपको बताया भी कि इस्लाम में चार प्रकार के टैक्स होते हैं, जजिया, जकात, खराज और खम्स। तो खम्स क्या होता था? लूट। और लूट में इस्लाम में लिखा हुआ था कि राजा का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 20%, और बाकी 80% किसका होगा? सैनिकों का होगा। किसका? सैनिकों का। अलाउद्दीन खिलजी के समय में पढ़ा था हमने कि 80% खुद रखा, उसने 20% सैनिकों में बांटा। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया? मराठों को मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। यानी मराठों के महत्व को समझने वाला पहला मुगल शासक कौन है? जहांगीर है। उसने मराठों को मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था और उसने अपने पौत्रों की शिक्षा का प्रबंध उन्हीं की देखरेख में किया। पौत्रों यानी बच्चों के बच्चों,
को उसने क्या किया, ईसाइयों के संरक्षण में क्या किया, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करवाया। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण क्या था, उसकी न्यायप्रियता थी। अवगुण क्या था, शराबी था, लेकिन जो गुण था वो उसकी न्यायप्रियता थी। और एक राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा अवगुण उसका अधिक शराब पीना था, ये बता दिया मैंने, ठीक है। मुगल काल में, पिता के शासन काल में, अर्थात पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के समय में शुरू हुई। याने बाबर के समय में हुमायूं ने विद्रोह नहीं किया, हुमायूं के समय में अकबर ने विद्रोह नहीं किया, लेकिन अकबर के समय में जहांगीर ने विद्रोह किया, जहांगीर के समय में फिर शाहजहां ने विद्रोह किया, शाहजहां के समय में उसके चारों बेटों ने विद्रोह किया। तो जो शुरुआत की विद्रोह की वो किसने की, जहांगीर ने की, सलीम ने की, ठीक है। जहांगीर ने किन्नरों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया, क्योंकि उस जमाने में किन्नरों का व्यापार होता था, उसने रोक लगाने का प्रयास किया। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है कि किन्नरों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक, मुगल शासक कौन था, आंसर जहांगीर, ठीक है। अफगान सर्वप्रथम जहांगीर के काल में ही मुगलों के मित्र हुए और उन्हें भी अब मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त भारतीय मुसलमान जिन्हें शेख ज्यादा भी कहा जाता था, क्वेश्चन पूछा गया एक बार, शेख ज्यादा कौन थे मुगलों के समय, आंसर भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमान जिन्हें शेख ज्यादा भी कहा जाता था को भी मनसबदार का पद मिलने लगा। मनसब की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने की थी, मनसबदारी जो प्रथा है, है ना। तो जहांगीर के समय में शेख ज्यादा यानी भारतीय मुसलमानों को भी मनसबदारों का पद मिलने लगा। जहांगीर ने अपनी प्रेयसी अनारकली के लिए 1615 में लाहौर में सुंदर कब्र बनवाई, जिस पर प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवा। वैसे तो इतिहास ज्यादा नहीं मानता अनारकली की कथा को, लेकिन क्योंकि मकबरा है लाहौर में और उस पर लिखा हुआ कि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत तक अल्लाह का धन्यवाद देता, ऐसा लिखा हुआ उस मकबरे के बाहर, है ना। तो वही होंगी कोई अनारकली। चलो, अनारकली की घटना का उल्लेख किसने किया, अंग्रेज यात्री विलियम फिच ने किया है। किसने किया है, ये फिर यूपी में क्वेश्चन पूछा गया कि अनारकली की घटना का उल्लेख किसने किया है, तो उस समय का था विलियम फिच, तो विलियम फिच ने किया है। किसने किया है, ठीक है। जहांगीर के शासन काल में हॉकिंस 1608 से 1611 और सर टॉमस रो 1615 से 1619 में उसके दरबार में आए थे, मतलब उसके पास आए थे। कौन कौन, एक आया था हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, और एक आया था सर टॉमस रो, ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि दी, किसको, कैप्टन हॉकिंस को। यहां तक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब हॉकिंस जहांगीर से मिला तो उसने किस भाषा में बात की, ठीक है, तो ढूंढना है आपने, ये होमवर्क है आपके लिए, किस भाषा में बात की, खुश हो गया जहांगीर। अगला, अब थोड़ा सा नूरजहां गुट के बारे में पढ़ते हैं। नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, उसके द्वारा बनाया गया जुंता गुट था, कौन सा गुट, इसके बारे में पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जुंता गुट था। जुंता गुट में कौन कौन थे, नूरजहां थी, नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, एतमादुद्दौला, ये वही एतमादुद्दौला हैं जिनके मकबरे पर सबसे पहले पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया। पेट्रा ड्यूरा क्या होता है, संगमरमर पर प्रीसियस स्टोन जड़ने की कला होती है। ये एतमादुद्दौला वही है जिसके मकबरे पर सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग हुआ था। मुगल काल में संगमरमर का प्रयोग सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे पर हुआ था, ठीक है। असमत बेगम थी नूरजहां की माँ, जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहां का भाई आसफ खां था, जिसकी बेटी का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, और जो आगे चलकर शाहजहां की पत्नी बनी, मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तो भाई आसफ खां था, शहजादा खुर्रम भी पहले साथ में था, जब बाद में पता चला उसे कि नूरजहां क्या कर रही है, पिताजी के बाद हड़पना चाह रही है साम्राज्य को, क्योंकि लाडली बेगम का विवाह उसने एक नैसुदनी या निकट्ठू से किया था, है ना, शहरयार के साथ किया था। तो वो समझ गया था कि इतने बेवकूफ दामाद से क्या करना चाह रही है, कठपुतली शासक बनाएगी और सारा होल्ड क्या करेगी, अपने हाथ में रखेगी और मुझे किनारे कर देगी, इसलिए उसने अपना वो गुट से बाहर हो गया, जुंता गुट से बाहर, ठीक है, ठीक है। फिर नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी जो दी है वो किसने दी है, मोहतमद खां ने दी है। किसने दी है, मोहतमद खां, उसने किताब लिखी इकबाल नामा ए जहांगीरी। कौन सी किताब लिखी मोहतमद खां ने, इकबाल नामा ए जहांगीरी। बचपन का नाम क्या था, मेहरू निशा। नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरू निशा, ठीक है। नूरजहां का जो पिता था मिर्जा गयास बेग, कौन,
जहांगीर ने इसको एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, ठीक है। और माता जो असमत बेगम, ये दोनों ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे, जो अकबर के काल में मुगल दरबार में आए थे। ईरान के लोग सुंदर होते हैं भाई, फीचर्स जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, अच्छे फीचर्स होते हैं, क्योंकि आर्यों की संतानें हैं। आर्यों की एक शाखा ईरान चली गई थी। आपको पता है कि जिंद अवेस्ता एक ग्रंथ है, जो कि ऋग्वेद के काल का ही माना जाता है। ऋग्वेद की कुछ बातें जिंद अवेस्ता में मिलती हैं। किसमें मिलती हैं? जिंद अवेस्ता में मिलती हैं, ठीक है। नूरजहां जो थी वो शेर अफगान की विधवा थी, और शेर अफगान जो था वो उसकी उपाधि थी। शेर मारने के कारण उसको शेर अफगान कहा गया। वैसे उसके पहले पति का वास्तविक नाम अली कुली खां था। क्या नाम था? अली कुली खां था। कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि जहांगीर ने उसकी हत्या करवाई नूरजहां से विवाह करने के लिए, ठीक है। नूरजहां ने शेर अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री का विवाह 1621 में शहजादा शहरयार के साथ करवाया। लाडली बेगम था इसकी बेटी का नाम। किस किस की? अली कुली खां, नूरजहां की बेटी का नाम क्या था? लाडली बेगम। तो शहरयार, जिसको कि निकट्टू कहती थी जनता, उसके साथ नैसुदनी भी कहती थी, निकट्टू या नैसुदनी, ठीक है। उसके बाद नूरजहां के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? उसका अपरिमित महत्वाकांक्षा, बड़ी महत्वाकांक्षी महिला थी, ठीक है। इंग्लैंड में थी एक राजकुमारी डायना हेडन, बिल्कुल वैसी ही मानी जाती है। कौन? नूरजहां, ठीक है। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोका दर्शन देती थी। कमाल की बात है, वैसे राजा आता था झरोका दर्शन पे, लेकिन नूरजहां भी झरोका दर्शन में साथ आती थी। सिक्कों पर बादशाह के साथ साथ उसका भी नाम अंकित होने लगा था, यानी इतना प्रभावशाली हो गई थी वो कि सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ साथ नूरजहां का नाम भी अंकित होने लगा। इसके अतिरिक्त शाही आदेशों पर बादशाह के साथ साथ उसके भी हस्ताक्षर होने लगे। मैंने कहा नहीं, नूरजहां के हस्ताक्षर जहांगीर के हस्ताक्षर माने जाए। किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया। ये उत्तराखंड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कौन सा सिक्का? निसार नामक सिक्का चलाया। तो जो जो सिक्के चला रहे हैं राजा, उनके नाम याद कर लेना। आरओ यारो से पहले मैंने बोल दिया था, जो जो राजा अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। और बना, क्या बना था? फिरोज शाह तुगलक से बना था, फुतुहात फिरोज शाही है। फुतूह मैंने बताया था उपहार, फिरोज शाही का उपहार फुतुहात फिरोज शाही है ना। तो जो जो लिख रहे होंगे, अब जहांगीर भी लिखता है अपनी आत्मकथा, तुजू के जहांगीरी, क्या लिखता है? और इसको मेरे ख्याल से 16 वर्ष का इतिहास लिखता है वो, आगे चल के बता दूंगा मैं जब पूरा लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसको कौन पूरा करता है? मौतमित खां पूरा करता है मेरे ख्याल से, है ना। तो एक बार चेक कर लेना कि तुजू के जहांगीरी। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि तुजू के जहांगीरी के बाहर जो, मतलब तुजू के जहांगीरी के जो चित्र बनाए वो किसने बनाए थे, कौन चित्रकार था वो बताइए। तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया। क्या चलाया? निसार नामक सिक्का चलाया। क्लियर हो गया। जहांगीर ने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, ठीक है। और इसे उसने क्या कहा? निगाह दस्त कहा। दस्त मतलब हाथ, दस्त कातिल, कातिल के हाथ, ठीक है। तो निगाह दस्त किसने कहा? जहांगीर ने कहा, ठीक है। नूरजहां ने भी श्रृंगार प्रसादनों और जेवरों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किए। नूरजहां 2,00,000 रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन भोगी बनकर अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया उसने? लाहौर में बिताया। जब जहांगीर मर गया, शाहजहां राजा बन गया, बादशाह बन गया, तो क्या हुआ फिर? हाँ जी, 1645 ईस्वी में फिर उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? नूरजहां की। यानी जहांगीर कब मरा? 27 में, 1627 में ही मरा जहांगीर। तो 27 से 45 तक विधवा का जीवन व्यतीत किया किसने? नूरजहां ने, 2,00,000 रुपए पेंशन पर, ठीक है। तो 27 से 45 तक कितने साल होते हैं भाई? 15 में से 7 गए, 8, 7, 15, यहां बजे 3, लगभग कितने? 18 साल, 18 वर्ष उसने क्या किया? विधवा का जीवन व्यतीत किया, ठीक है। अच्छा जी, कितने मिनट हुए? ठीक है, तो शाहजहां शुरू करा देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। शाहजहां 1627 से 1658, 1627 से 1658, वास्तविक नाम अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां साहिबे किरान, साहिबे किरान, और बादशाह शाहशहज गाजी,
इतना लंबा नाम है उसका, तो आपने क्या करना है, शिहाबुद्दीन याद रखना है। क्या याद रखना है? अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, और एक आपने याद रखना साहिब किरान, किसे कहा जाता है? साहिब किरान टू, आंसर शाहजहां को कहा जाता है। साहिब किरान एक, शिहाबुद्दीन क्या, शिहाबुद्दीन अबुल मुजफ्फर, ठीक है। गाजी इसने भी उपाधि ली, जो जो गाजी की उपाधि लेगा उन उनके नाम याद करने सल्तनत और मुगल में, लिस्ट बना दीजिए कि गाजी की उपाधि किस किस ने धारण की। इतना समझ में आ गया। साजा का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। कहाँ हुआ? 5 जनवरी 1992, डेट कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। मारवाड़ की, जो मारवाड़ के राजा थे, मोटा राजा उदय सिंह बोलते हैं, उनकी पुत्री जगत गुसाई या मनमती, क्या मनुमती भी लिखा होता है, मनमती भी लिखा होता है, बाई जी श्री लाल साहिबा मनमती, ठीक है, जगत गुसाई के गर्भ से हुआ। किसका? यानी इसकी माँ शाहजहां की, खुर्रम की माँ भी क्या थी? राजपूत थी, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था मैंने? किसने बनाए थे? अबुल हसन, ख्वाजा अबुल हसन ने बनाए थे। तुजुके जहांगीरी के चित्र किसने बनाए थे? ख्वाजा अबुल हसन ने बनाए थे। और रज्मनामा के चित्र किसने बनाए थे? महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो रज्मनामा है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा है। याद कर लो भाई, ये दोनों क्वेश्चन आईएएस के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? यूपीएससी ने पूछे हैं। रज्मनामा के चित्र किसने बनाए? रज्मनामा मतलब महाभारत का फारसी में अनुवाद, रज्मनामा। क्या दसवंत ने बनाए थे? चित्रकार था एक दसवंत, चेक कीजिए जल्दी। तुजुके जहांगीरी के चित्र किसने बनाए थे? ख्वाजा अबुल हसन ने बनाए थे। कंफर्म हो? ठीक है। और अब बताओ मुझे रज्मनामा के चित्र किसने बनाए थे? तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, ढूंढ के रखिए, ठीक है। अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था। अब उसने क्या किया? अपने ससुर आसफ खां, आसफ खां कौन? आसफ खां कौन? नूर जहां का भाई, जो कि किसका ससुर है? ससुर बोलते हैं, ठीक है, ससुर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वसुर। तो स्वसुर कौन थे? आसफ खां था। कौन था? नूर जहां का भाई। तो अपने स्वसुर जी को बोला उसने, और एक राज्य का दीवान था, उसका नाम था ख्वाजा अबुल हसन, को एक कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के लड़के द्वार बख्श को, दावर बख्श भी बोलते हैं कई जगह पर, द्वार बख्श भी बोलते हैं किसको, ये यूपीपीसीएस वालों ने पूछा था कभी, कि शाहजहां क्योंकि दक्षिण में था, गद्दी खाली नहीं रखनी थी, कठपुतली मतलब एक वैसे ही नहीं बिठाते, तब तक किसको बिठाया गया? आंसर द्वार बख्श को बिठाया गया सिंहासन पर। किसका बेटा था? खुसरो का बेटा था। किसका बेटा? खुसरो का बेटा। और फिर जब वापस पहुंचा तो कत्ल कर दिए गए सारे राजकुमारों के, छोटे बड़े द्वार बख्श, इन सबकी हत्या कर दी गई, और तब गद्दी पर बैठा। सिर्फ ताजमहल नहीं देखना है, सिर्फ लाल किला नहीं देखना है, साथ में ये भी देखना है कि ये व्यक्ति किस प्रकार गद्दी पर बैठा है ना। तो शाहजहां ने अपने सभी भाइयों एम सिंहासन के लिए जितने भी प्रतिद्वंदी थे, और अंत में द्वार बख्श सबकी हत्या करके 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। कौन? जहांगीर। द्वार बख्श को भी मारा, जितने भी भाई बहन छोटे बड़े बच्चे बड़े सब जितने भी थे सबकी क्या की? हत्या की, जो सिंहासन का क्या कर रहे थे, मतलब दावा कर रहे थे या कर सकते थे, उन सबकी हत्या करके बैठा ये। शाहजहां का विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके साथ हुआ। मलिकाए जमानी भी बोलते हैं मुमताज महल को, क्या बोलते हैं? मलिकाए जमानी, ठीक है। शाहजहां और मुमताज महल की 14 बच्चे हुए, कितने? 14 बच्चे हुए, 7 मर गए, 7 जिंदा रहे। जो जिंदा रहे उनके नाम बता रहा हूं मैं, देखो भाई जहां आ रहा, कौन? पिक्चर भी है, पुरानी पिक्चर है जहां आ रहा, कौन सी? जहां आ रहा। फिर हुआ कौन? दारा शिको। फिर हुई रोशन आरा, फिर हुआ औरंगजेब, फिर हुआ मुराद बख्श, फिर हुई गौन आरा, फिर हुआ सासुजा। यानी 3 लड़कियां हैं, जहां आरा, रोशन आरा, गौन आरा, और 4 लड़के हैं, दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और सासुजा, ठीक है। अब जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो एक एक बहन एक एक भाई को क्या कर लेती है?
पकड़ लेती, मतलब साथ देती है, एक भाई थोड़ा अकेला रह जाता है, उसके साथ कोई बहन नहीं है, ठीक है। जहांआरा जो है वो किसके साथ है, किसके साथ है, दाराशिको के साथ है। दाराशिको वही व्यक्ति है जो विद्वान था और सेक्युलर भी था, ये क्या था, सेक्युलर था, विद्वान था, इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, सिर्रे अकबर के नाम से, किसके नाम से, रॉ के ऊपर भी रॉ लगाना, सिर्रे अकबर किसके नाम से, जिसका मतलब होता महान रहस्य, क्या। बाकी और बहुत सारी किताबें लिखी थी उसने, सफीनतुलौलिया, सकीनतुलौलिया, और भी पुस्तकें लिखी थी इसने, ठीक है ना, मतलब सूफियों का जीवन चरित्र भी लिखा था इसने, इसमें सफीनतुलौलिया, सकीनतुलौलिया, ये आगे बताऊंगा मैं जब लिटरेचर पढ़ा रहा हूँगा। तो दाराशिको विद्वान आदमी था, ठीक है, और शाहजहां भी चाहता था। कमाल की बात यह है कि शाहजहां, औरंगजेब ने अपने पिता के, पिता से इतनी नफरत क्यों की, क्योंकि इस्लाम में उत्तराधिकार का नियम नहीं है, हिंदू धर्म में है कि बड़ा बेटा क्या करेगा, राजा बनेगा। लेकिन शाहजहां ने दाराशिको को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। औरंगजेब ने, कहा जाता है कि शाहजहां जब मरा, जहां पर कैद किया औरंगजेब ने अपने पिता को, उसमें एक छोटी सी खिड़की थी जहां से ताजमहल दिखता था। बताया जाता है कि जानबूझ के किया उसने, क्योंकि बहुत खर्च किया था किसने, शाहजहां ने। औरंगजेब को राजकोष में बहुत कम पैसा मिला, उसने कहा पिताजी अब देखो किसको, ताजमहल को देखते रहो। कहा जाता है कि अंत समय तक कौन, जहांआरा ने साथ दिया, किसका, मतलब इसकी एक पुत्री रही इसके साथ, कौन, जहांआरा। और भी बहुत कुछ है, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। इतिहास में और बहुत कुछ दर्ज है, जब आप किताबें पढ़ते हो तो पता चलता है कि शाहजहां जो था बड़ा ही विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अपनी विलासिता के, मतलब विलासिता नहीं छोड़ पाया जेल में भी, ठीक है, और उसके कारण उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। समझ में आया, ठीक है जी। इस जहांआरा ने साथ दिया किसका, दाराशिको का। मुगल राजकुमारियों का विवाह नहीं होता था, क्या नहीं होता था, जल्दी से विवाह नहीं होता था, क्योंकि मुगल राजकुमारियों के जो पतिदेव होते थे वो भी सिंहासन के उत्तराधिकारी माने जाते थे। क्या माने जाते थे, यानी अगर जीजा जी हैं तो समझ लो वो भी सिंहासन के क्या हैं, दावेदार हैं। समझ में आया, तो इसलिए बहुत लंबे समय तक जहांआरा का विवाह नहीं हो पाया। पुरानी पिक्चर देखना जहांआरा, उसमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको, पता नहीं आप लोग देखते कि नहीं देखते, पर फिर भी कोशिश करना, ठीक है। बाकी औरंगजेब का साथ शायद रोशन आरा ने दिया है, ठीक है। तो शाहजहां के अंतिम 8 साल आगरा के किले में, शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुए। इस समय इसकी बड़ी पुत्री जहांआरा ने साथ रहकर इसकी सेवा की थी, ठीक है। कहा जाता है कि जब शाहजहां मरा तो औरंगजेब ने कंधा नहीं दिया, जो महल के किन्नर थे वो लेके गए उसको, कहां तक, ताजमहल में दफनाने के लिए। एक शहंशाह की इतनी बुरी गत हुई कब, मरते हुए। और शाहजहां ने औरंगजेब को कहा भी कि देखो हिंदू धर्म में लोग क्या करते हैं, पानी मांगा ना कुछ, उसने अपनी कुछ मतलब मांग की औरंगजेब से, औरंगजेब ने कहा नहीं मिलेगा, पानी मांगा ज्यादा या कुछ मांगा तो। और तब शाहजहां ने औरंगजेब को कहा था हिंदू धर्म में लोग अपने पितरों को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, एक पितृपक्ष आता है श्राद्ध बोलते हैं, पिंडदान, मतलब उसमें क्या करते हैं, देते हैं ना कौओं को, कौए के माध्यम से, कुत्ते के माध्यम से, गाय के माध्यम से करते हैं, चींटियों को देते हैं। देखो हिंदू धर्म कितना महान है, जहां पर क्या है कि मरने के बाद भी, पितरों के मरने के बाद भी क्या करते हैं, वो लोग देते हैं, और तू जीते जी मुझे क्या नहीं कर रहा है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इतनी नफरत करता था कौन, औरंगजेब, समझ में आया। फिर भी इसको जिंदा पीर बोलते हैं, असहिष्णु था, धर्मांध था, और क्या, जिंदा पीर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस्लाम के नियमों पर चला औरंगजेब। किस पर चला, सिर्फ 4 शादियां की इसने, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियां के अलाउ है, तो सिर्फ लगाते हैं कि सिर्फ 4 विवाह किए। नंबर 2, शराब नहीं पी, पर कहा जाता है कि एक नाचने गाने वाली महिला के हाथों से इसने शराब को मुंह में, मतलब एक लिया और उसके बाद उसने उसको थूक दिया। उत्तर प्रदेश वालों ने तो यहां तक पूछा, बहुत पहले जब सब्जेक्ट हुआ करता था, कि वो कौन थी नाचने गाने वाली महिला। अब नहीं पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न, ना ही आईएएस में पूछे जाते हैं, और ना ही मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड पीसीएस कभी या यूपीएस लोक सेवा आयोग कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है कि नेट वेट में हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए, परखा जाए आपको कि आप कहाँ तक, क्या किस डेप तक जाते हो, ठीक है।
शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। अच्छा, औरंगजेब ने, मैंने कहा, सिर्फ चार विवाह किए, शराब नहीं पी, 5 टाइम नमाज अदा की, 5ों टाइम नमाज अदा करता था उसके समय में। उसने कुछ मुहत्सिब, कौन मुहत्सिब, जो कर्मचारी थे उनका काम यही था, जनता में सदाचार निरीक्षक बोला जाता है, बट उनका काम ये था कि जो कन्वर्टेड थे, जो कन्वर्टेड मुस्लिम थे, ऐसा तो नहीं कि कन्वर्ट हो गए हों और अंदर ही अंदर क्या नमाज अदा ना कर रहे हो, 5ों टाइम नमाज अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे LIU होती है उसी प्रकार की व्यवस्था बनाई थी औरंगजेब ने, समझ में आया। और आपको पता है कि जजिया, जजिया से ही कन्वर्ट हुए हैं काफी लोग। जजिया मतलब नॉन मुस्लिम्स को दिया देना पड़ता था क्या, टैक्स देना पड़ता था, इतना समझ में आ गया। तो शाहजहां की कब्र कहाँ है, आपको पता ही है, ताजमहल में है। आज भी गिफ्ट नहीं किया जाता ताजमहल, लोग उसको संसार के आश्चर्यों में गिनते हैं और बोलते हैं कि ये प्रेम की निशानी है। पर मैंने आपको कहा कि जीवित रहते हुए किसी पत्नी के लिए मकबरा बनवाना, खुद बालिकाएं अपने दिमाग पर जोर डालें इस बात के लिए कि अगर किसी का हस्बैंड किसी बालिका को ये बोले कि भाई जब तू मरेगी तो तुझे यहाँ दफनाया जाएगा, तो क्या वो प्रेम की निशानी है? नहीं है, मुझे नहीं लगता है, मेरा विश्लेषण है ये, आप लोगों का अलग हो सकता है, इतिहासकारों का अलग है, ठीक है। रानी की बाव को मैं प्रेम की निशानी मान सकता हूँ, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने क्या किया है, जो कि गुजरात में है, रानी की बाव यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया, उसको अंकित किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो पत्नी के बगल में ही दफनाया गया है किसको, और शाहजहां काला ताजमहल भी बना रहा था एक, ये तो सफेद ताजमहल था, उसी के बगल में यमुना पार एक काला ताजमहल, आज भी वहां पर कुछ अवशेष मिलते हैं, सामान सुमान आ गया था, तब तक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया और जिसकी वजह से क्या हो गया, काला ताजमहल नहीं बन पाया, वो पूरा काला बनना था, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे मतलब कुछ जन्नत की कुछ चीजें बनाना, मतलब जन्नत के जो बाग होते हैं ना, जो उसने पढ़ा था उस हिसाब से वो बनाना चाह रहा था उसको, ठीक है। और ताजमहल का एक ईसा खां का नाम याद रखना आपने, किसका नाम क्या था ईसा खां ताजमहल का, पूछना नहीं है बताना है, ईसा खां कौन था, ताजमहल के बनने में उसका क्या योगदान है, क्या वो आर्किटेक्ट था, क्या वो चीफ इंजीनियर था, ये बताना आपने मेरे को, ईसा खां। तो एक शहंशाह ने बना के ताजमहल गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना, यानी उसने तो बना दिया लेकिन और लोग, सब लोग थोड़े बना पाएंगे, और वैसे भी कब्र बनाना मैंने कहा कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद विद्रोह होते हैं भाई, किसके समय, वास्तुकार था कौन, ईसा खां ताजमहल का वास्तुकार था, इसलिए उसका नाम याद रखना है आपने। अब बाकी मैंने कहा शाहजहां ने ही लाल किला बनाया दिल्ली का, उस जगह को शाहजहांबाद बोलते हैं, लाल किले का वास्तविक नाम किलाए मुबारक है, क्या है, किलाए मुबारक, लाल पत्थरों से बना हुआ है इसलिए उसको लाल किला बोलते हैं। विद्रोह पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह जो हुआ था बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह हुआ था, किसका, ये क्वेश्चन बनता है कि शाहजहां के समय पहला विद्रोह किसका हुआ, तो जुझार सिंह का विद्रोह हुआ, बुंदेला, कौन, बुंदेला, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में दूसरा विद्रोह जो हुआ था, एक योग्य अफगान था जिसका नाम था खाने जहां लोदी, तो खाने जहां लोदी का विद्रोह किसके समय हुआ, शाहजहां के समय हुआ, ठीक है। मुगल बादशाहों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दे दिया था, किंतु पुर्तगालियों की उदंडता के कारण शाहजहां ने 1632 में उनके व्यापारिक केंद्र हुगली को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया, किस पर, पुर्तगालियों की उदंडता को देखते हुए। आपको पता है क्रॉस और क्रिसेंट की लड़ाई हमेशा चलती रही है, क्रॉस मतलब जीसस क्राइस्ट, क्रिसेंट मतलब इस्लाम, ठीक है। और ये लोग ईसाई धर्म में क्या कर रहे थे, कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे, उदंडता दिखा रहे थे, जहांगीर ने हुगली पर अधिकार कर लिया, इतना समझ में आ गया। 1628 में एक छोटी सी घटना के कारण सिखों और शाहजहां के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो गई, वजह शाहजहां का एक बाज गुरु हरगोविंद के खेमे में चला गया और गुरु हरगोविंद जी ने उन्हें देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद काफी समय तक क्या होता रहा, गुरु हरगोविंद और उनके बीच में विवाद चलते रहे, बाद में फिर वो चले गए कीरतपुर और वहां पर उन्होंने एक नया नगर बसाया, ठीक है, विवाद खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है।
दूसरा झगड़ा हुआ गोविंदपुर नामक एक नगर बसाया गया गुरुजी के द्वारा, वहां पे भी फिर लड़ाई हुई, ठीक है। मुगलों के मना करने पर भी गुरुजी ने बंद नहीं करवाया क्या, गोविंदपुर नामक नगर को बसाने से मना मतलब बंद नहीं करवाया। फिर चौथा जो उसके शासनकाल के चौथे और पांचवें वर्ष में दक्कन और गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, जिसकी वजह दक्कन और गुजरात वीरान हो गया, जिसकी भयंकरता का वर्णन अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने किया है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि गुजरात और दक्कन के भीषण दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष बोलते हैं अकाल को, किसको बोलते हैं, का वर्णन किस अंग्रेज व्यापारी ने किया है? आंसर, पीटर मुंडी ने किया है। किसने किया है? पीटर मुंडी ने किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया शाहजहां का, कल हम उसका दक्षिण भारत का साम्राज्य विस्तार पढ़ेंगे, फिर उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ेंगे, फिर धार्मिक नीति पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कितने मिनट का हो गया? ठीक है, इतना काफी।